नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। रुख सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम और जानकारी, सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम का यह आयोजन, गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम का यह आयोजन जो है वो हो रहा है। सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर हो रहा है। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, फिलहाल कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ पूरा एक कार्यक्रम है और इसमें खास बात है कि उन किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती की है, यानी कि कोई भी पेस्टिसाइड से या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया खेती में, और लंबा इनका कार्यकाल रहा जिनका लगभग एक्सपीरियंस है, ऐसे किसानों को सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश से यहाँ पर किसान आए हुए हैं दूर दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होने। कुछ देर बाद ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं और इसके अलावा गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो भी यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलर्ट हो चुका है, कुछ देर बाद ही वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ स्टॉल्स लगी हुई हैं, वो किसान हैं जो अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने नेचुरल खेती की, यानी कि किसी भी तरह का केमिकल का उपयोग ना करते हुए अपनी खेती को सफल बनाया है। एक अच्छी पौध इन्होंने यहाँ पर की। कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह रोड, कहाँ से आए? जिला शामली है, गाँव नागल पड़ता है। आप लोग नेचुरल खेती करते हैं, किस तरह से करते हैं और क्या इसके जो परिणाम क्या निकल के आए? हम सुभाष पालेकर जी के अनुसार अपनी खेती करते हैं, केवल गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित हमारी खेती होती है। और हम लोग, मैं 10 एकड़ में खेती करता हूं नेचुरल फार्मिंग, और इसमें आधे में मेरा बागवानी में है, मल्टीलेयर फार्मिंग है उसमें भी, और पंचस्तरीय बागवानी भी उसको कहते हैं। और इसके अलावा मैं धान, गेहूँ और उड़द और दलहन तिलहन इनमें भी मैं। आज जैसे कॉमन हो चुका है कि लोग केमिकल मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, तो इसको बिना मिलाए आप कैसे खेती करते हैं और कैसे बेहतर खेती हो पाई? सर, जैसे आप जंगलों में देखते होंगे, जंगलों में कोई भी केमिकल या कोई पेस्टिसाइड डालने के लिए नहीं जाता, लेकिन फिर भी सभी पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे खड़े हैं। उसी तरीके से ये पैटर्न पे अगर हम चलते हैं तो हम अपनी खेती को भी इसी प्रकार से भलीभांति कर सकते हैं। आप लोग हमारे खेत पे आके भी देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री आपको सम्मानित करने वाले हैं। सर, बताया तो गया है, देखिए क्या होता है। देखिए, ये वो किसान हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं और खास बात है कि पूरा हॉल इस समय अंदर भरा हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश से वो किसान खासकर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं जो लंबे समय से बिना किसी पेस्टिसाइड और केमिकल के जो खेती करते आ रहे हैं, ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये जो दायरा है प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बात अगर प्राकृतिक खेती की करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो और भारत के तमाम राज्यों में जिस तरीके से किसानों को जागरूक इस ओर किया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत मायने यहाँ पर रखता है। और सरकार की तरफ से भी ये प्रयास जो है वो निरंतर है। अब गुजरात के राज्यपाल के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत कुछ इस क्षेत्र में किया गया है। जी बिल्कुल, वो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है और खास बात है कि वो जरूर इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और किसान को टिप्स भी देंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि जो किसान आए हैं यहाँ पर दूर दूर से, वो इसी कार्यक्रम की समझने आए हैं, क्योंकि और दूसरी बात है कि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान बेल्ट है पूरी पश्चिम जो यूपी है, उसके अलावा जो अलग अलग आपने प्रदेशों की बात की, वो कई प्रदेशों का एक्सपीरियंस भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है। और दूसरी बात है कि नेचुरल खेती को लेकर थोड़ा सा
एक भ्रमित भी किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से केमिकल और पेस्टिसाइड्स आने के बाद ये माहौल बन चुका था कि इसी के जरिए खेती की जाएगी तो बेहतर खेती होगी, ज़्यादा उपजाऊ होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ज़रूर होता है। तो इस सब चीज़ों को से भी आज अवगत कराया जाएगा और किसान अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएंगे कि प्राकृतिक खेती से जो भ्रांतियाँ हैं कि प्राकृतिक खेती के तौर पर अगर आप खेती कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया उपज नहीं होगी, लेकिन इसको भी लेकर आज भ्रांतियाँ दूर होगी कि प्राकृतिक खेती के तौर पर भी आप बढ़िया उपज कर सकते हैं और अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। तो फिलहाल आज कई दोनों जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं वो दोनों शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तौकीर एक बात और यहाँ पर, क्योंकि कई किसान वहाँ पर जो हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर ऐसे किसान जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं उनको काफी प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है, आधुनिक फार्मर जो है वो इन्हें यहाँ पर कहा जाता है। आप अगर मुनासिब हो तो कुछ और किसानों से भी ये पूछिए जरूर कि जो मंच अब दिया जा रहा है प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए, उन्हें कितना ज्यादा फायदा, जो प्रोत्साहन मिल रहा है उन्हें कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है इस तरीके के मंच जब कोई भी राज्य सरकार प्रोवाइड करवाती है तो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं देखिए खासकर यहाँ पर आई हैं। आप प्राकृतिक खेती करती हैं, ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है और प्राकृतिक खेती क्यों, क्योंकि आजकल तो चलन हो गया है पेस्टिसाइड्स और केमिकल का। जी, लोग बीमार हो रहे हैं इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत अनिवार्य है। अगर प्राकृतिक खेती न हुई तो लोग ऐसे बीमार होते जाएंगे और एक दिन सब समाप्त। कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलती है क्योंकि पेस्टिसाइड्स केमिकल अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती होगी खेती प्राकृतिक। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती है, हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं, हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती। एक भ्रांति तो है ही है कि ज्यादा फसल पैदा होती है अगर आप पेस्टिसाइड्स केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये तो भ्रांति है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तौकीर इनसे ये भी पूछिए कि इस तरीके के जो मंच है, इस तरीके के कार्यक्रम है वो कितना ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का। गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, उससे हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत। अच्छा देखिए, आप लोग प्राकृतिक खेती करते हैं लेकिन सरकार इस बात को जान रही है, आज सम्मानित करने के लिए भी बुलाया गया किसानों को, ये कितना आपको मोटिवेशन लगता है, कितना आपको जो है और अंदर से जो है ऊर्जा देता है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, इस तरह के मंच मिलते रहना चाहिए। सर मुझे खुशी होती है कि अच्छा अनाज हम पैदा कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की सेवा भी हो रही है, उसका उनका स्वास्थ्य भी सही हो रहा है। लेकिन इस बात को सरकार भी जान रही है आपके इस कार्य को, आज इस मंच दिया गया है आपको तो जाहिर तौर पर सरकार भी आपके इस कार्य को जान रही है कि आप लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी 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 जी, तो इस तरह के मंच मिलते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मिलते रहना तभी प्रचार प्रसार हो पाएगा, तभी लोगों को पता चल पाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे ये खेती हो रही है, वो लोग हमारे खेत पर आए और देखें। देखिए ये सरसों का तेल है जिसको प्राकृतिक तौर पर तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर काफी डार्क है, जबकि अमूमन जो बाजार में तेल बिकने वाले हैं वो जो उनके कलर्स हैं वो इतने डार्क नहीं होते, यानी कि वो नेचुरल नहीं होते। देखिए सूर्य प्रताप शाही आ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर एक लाइन, सर एक लाइन कार्यक्रम के बारे में, सर एक लाइन आज के सर कार्यक्रम में किसानों को सम्मान। देखिए आज राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती पर ये दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है, जो गो आधारित प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकें और उसका से वायु, मृदा और पर्यावरण, जल तीनों को हम संरक्षित कर सकेंगे, साथ साथ में एक पौष्टिक उत्पादन करके हम जन स्वास्थ्य को भी आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। आज के कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल माननीय महामहिम आचार्य देवव्रत जी उसके आज मुख्य अतिथि हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर इस काम को प्रारंभ किया है और बहुत सफलतापूर्वक वह प्रयोग साबित हुआ है, तो उस संदर्भ में अपना जो अनुभव है वो किसानों के साथ साझा करेंगे, साथ साथ में उन्हें भी कैसे प्रोत्साहित करके आगे काम कराया जाए इस बारे पर उनके चर्चा, उनके शंकाओं, उनसे बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए सूर्य प्रताप शाही जी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृषि के, और खास बात है कि इनका दूसरा कार्यकाल है, इसके पहले जो 5 साल भाजपा के थे उसमें भी इन्हें कोई कृषि मंत्री बनाया गया था और आज दूसरे कार्यकाल में फिर इनको कृषि मंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से ही कृषि क्षेत्र के इसलिए बनाया गया। और इसके अलावा आज आचार्य देवव्रत की बात की आपने, वो भी काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, इसके अलावा खेती किसानों से जुड़े हुए उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो आज वो शेयर करेंगे, किसानों को जरूर उसका लाभ भी मिलेगा। तौकीर, और जाहिर तौर पर ये मंच जो है उन तमाम प्राकृतिक खेती करने वाले जो आधुनिक फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन्हें यहाँ पर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर
इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए तो बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो पहुंच रहे, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत वहां पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा, इस वक्त की बड़ी खबर, विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी होनी है, तो मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण सीएम करेंगे, नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक जो है वो होने जा रही है। तैयारियां यहाँ पर किस तरीके से चल रही है युद्ध स्तर पर, उनका यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक होने जा रही है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण सीएम करेंगे, तो नवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी उस बीच आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, संत कबीर अकादमी मगहर का करेंगे निरीक्षण, इस वक्त की बड़ी खबर, गेस्ट हाउस संत कबीर नगर में आगमन करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, संत कबीर अकादमी मगहर का करेंगे निरीक्षण, तो गेस्ट हाउस संत कबीर नगर में आगमन करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संत कबीर नगर, ये बड़ी जानकारी, डीसीएम ब्रिजेश पाठक का दौरा, संत कबीर अकादमी मगहर का निरीक्षण करेंगे, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस बीच, 26 सितंबर को होने वाले हैं पंचायत चुनाव, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार, तो चुनावी प्रचार, पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट बनी हुई है। चुनाव प्रचार आज शाम तक थम जाएगा, 18 जोन 133 सेक्टर भी बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, 208 संवेदनशील, 247 अति संवेदनशील क्षेत्र बनाए गए हैं, आपको बता रहे 25,000 पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। विकास करे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल क्या कुछ, क्योंकि आज चुनाव प्रचार जो है वो शाम तक थम जाएगा, तैयारियां क्या कुछ कर ली गई हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें, हरिद्वार जिले में जो है तीसरे पंचायत चुनाव आज अंतिम चरण में, और आपको बता दें आज शाम तक जो है प्रचार थम जाएगा। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो जिला पंचायत सदस्य है, जो प्रत्याशी है, चाहे वो भाजपा से हो या फिर बसपा से हो या फिर कांग्रेस से हो, कहीं ना कहीं जो काफी जो दिग्गज है वो आमने सामने है, इसको लेकर जो प्रत्याशी वो भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी उनकी जब धड़कने तेज हो गई है। हालांकि इससे जो साफ तौर पर जो सामने आया, जो प्रत्याशी जो अब जो है कहीं ना कहीं टक्कर में है, तो उसको लेकर 26 तारीख को जो मतदान होगी, कहीं ना कहीं जो है 44 जो प्रत्याशी चुनकर आएंगे जिला पंचायत सदस्य, उनका भविष्य 26 तारीख को जो है मतदाता तय करेंगे। ऐसे में इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, जो बूथ स्थल है वहां पर भी जो है प्रशासन के द्वारा कड़ी व्यवस्था की गई है, और बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत जो अति संवेदनशील जो गांव है वहां पर भी जो है पुलिस की तैनात की गई है, ताकि सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना मतदाताओं को ना उठाना पड़े। इसको लेकर डीएम जो हरिद्वार वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, एसएसपी हरिद्वार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अति संवेदनशील इलाका है जहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई चूक ना हो, तो अंजलि कहीं ना कहीं अब प्रशासन मुस्तैद हो चुका है, और जो तमाम तैयारी है बूथों की वो भी जिला हरिद्वार प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई। अंजलि बिल्कुल विकास, हालांकि अब अगर मुद्दों की बात की जाए, क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों के जहन में जैसे वोटर्स खासकर ध्यान में रख के वोट डालने पहुंचेंगे? देखिए अंजलि, आपको साफ तौर पर बता दें, जो जमीन स्तर से जो रिपोर्ट हमने की है जनता के बीच जाकर, साफ तौर पर कहने के इस बार वोटर जो मतदाता पूरी तरह से साइलेंट है। हालांकि जो प्रत्याशी सब अपने अपना अनुमान लगा रहे, कहने के वो बड़ी जीत के साथ जो है जनता के बीच चुनकर आएंगे,
तो कहीं ना कहीं वोटर फिलहाल साइलेंट हो चुका है, लेकिन बड़ी अगर बात की जाए तो बसपा और कांग्रेस की काफी टक्कर मानी जा रही है और कहीं और जो ग्राम पंचायत उनमें जो भाजपा और बसपा के भी टक्कर काफी कड़ी चली है। इनके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी इनको जो है टक्कर दे रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर जनता का यह कहना की जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, जो जनता का विकास करेगा, जनता उसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन अब आने वाली जो 26 तारीख है, जो 44 प्रत्याशी जिला पंचायत उनका भविष्य कहेंगे, 26 तारीख को मतदाता तय करेंगे। हालांकि जो ग्राम पंचायत प्रधान के जो प्रत्याशी है वो भी लगातार जमीन स्तर से जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर जो नियमावली है उनको लेकर आज प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। कहने जो प्रत्याशी वो पूरे गुपचुप तरीके से ही जो अपना प्रचार कर पाएंगे, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर हिदायत दी गई जो इस तरह का भी प्रचार करते हुए कोई प्रत्याशी पाता तो कहने की उस पर भी जो है प्रशासन कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर जो है वोटर्स को जो है पूरी तरह से लुभाने का काम भी किया जा रहा है। तरह की मिठाई जो स्वीट है वो भी बांटने की जो है जो प्रत्याशी वो भी बांट रहे, इसको लेकर प्रशासन ने भी कुंभकरण की नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से वोटर्स को रिझाने का काम किया जा रहा है, कहने की इन पर भी जो कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। इस तरह से जो मतदाताओं को कहना है कि ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ पर मतदाताओं के द्वारा वोटर्स को रिझाने का काम किया जा रहा है, तरह तरह के जो सामान है वो भी बांटे जा रहे हैं। हालांकि जो चुनाव चिन्ह जैसे अंगूठी है या फिर और जो चुनाव चिन्ह उनको भी जो है चांदी की अंगूठी भी वितरित की जा रही है। ऐसे जो प्रत्याशी है उनका भी लगातार विरोध दर्ज आज सुबह किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन अब कार्रवाई तो करेगा। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी सीएम दामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम दामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, अंकिता का शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर, सीएम दामी ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। बड़ी जानकारी फिलहाल आ रही है इस खबर पर, शव बरामद कर लिया गया है। सीएम धामी ने इसका ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो अंकिता का शव बरामद कर लिया गया, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। आपको बता दें सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है और शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अंकिता मर्डर केस से जुड़ी ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अगली बड़ी खबर भी अंकिता मर्डर केस से ही जुड़ी आ रही है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, आरोपियों के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर देर रात। आपको बता दें जो बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लिया गया है, तो देर रात ही बुलडोजर एक्शन लिया गया। बता दें सीएम दामी के आदेश पर एक्शन लिया गया है, 3 आरोपियों को 14 दिन की रिहाई की हिरासत पर भेज दिया गया है। पिछले 5 दिनों से लापता थी अंकिता, फिलहाल शव बरामद हो गया जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। आज हत्याकांड का ये खुलासा हुआ था, हत्या कर शव को नहर में फेंका गया था। फिलहाल शव जो है वो बरामद कर लिया गया, जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल अपडेट आई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम धामी के आदेश पर यह एक्शन जो है वो तुरंत प्रभाव से लिया गया है, 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो अंकिता का शव भी बरामद कर लिया गया है, नहर में फेंक दिया गया था उसकी हत्या करके, और आरोपियों को भी न्याय हिरासत में ले लिया गया है। बता दें आपको सीएम धामी के आदेश पर एक्शन और उस रिजॉर्ट को ढहाया गया है जेसीबी की मदद से। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंकिता की हत्या की गई, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात बुलडोजर एक्शन लिया गया है, तो 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पिछले 5 दिनों से लापता थी अंकिता, लेकिन अब शव जो है वो बरामद हो गया है, हत्या कर नहर में शव जो है वो फेंक दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेसीबी की मदद से ये जो रिजॉर्ट है उस पर उसे ढहाया गया है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, सीएम धामी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं।
देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस राज्यभर में आज प्रदर्शन करेगी। तो अंकिता हत्याकांड मामले के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो अंकिता हत्याकांड मामले के विरोध में प्रदर्शन कांग्रेस का, राज्यभर में कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। कांग्रेस राज्यभर में आज प्रदर्शन करेगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, राज्य के सभी रिजॉर्ट्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सीएम धामी ने सभी डीएम को ये आदेश दिए हैं, राज्य में अवैध बने रिजॉर्ट पर एक्शन लिया जाए पूरी तरीके से। यहां पर एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इस घटना के बाद अब यह निर्देश जो है वो यहां पर दिए गए हैं। संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अंकिता हत्याकांड मामले के बाद फिलहाल अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये निर्देश आदेश दे दिए गए हैं कि अवैध बने हुए तमाम रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई हो तुरंत। बिल्कुल अंजलि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सर जिस तरह से मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा प्रकरण आया, उसके बाद ही तत्काल त्वरित कार्रवाई करने के आदेश डीजीपी अशोक कुमार को सरकार की तरफ से दिए गए, और उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है और लगातार बड़ी कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। देर शाम को ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश तमाम जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए थे कि पूरे प्रदेश भर में जितने भी रिजॉर्ट बने हुए हैं उन सभी का यहाँ पर परीक्षण कराया जाए, सभी की जो संबंधता है वो तराशी जाए कि किस तरह से निर्माण इनका हुआ है, और अगर कोई इलीगल बने हुए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और साफ तौर पर बड़ा फैसला इसमें ये भी है कि जो वहाँ का स्टाफ है उनसे भी पुलिस और जिला प्रशासन बातचीत करेगा कि आपकी कोई समस्या कोई शिकायत तो नहीं है, अगर किसी को अपने रिजॉर्ट संबंधित कोई शिकायत है तो उस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और देर रात को जो तस्वीरें सामने आई हैं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, उसमें चलते रिजॉर्ट को देर रात को गिरा दिया गया है, बुलडोजर यहाँ पर चला है, देर रात को पूरी कार्रवाई की गई है। और अभी सुबह सवेरे का जो बड़ा अपडेट है, अंकिता का शव चिला नहर से बरामद हो चुका है, हालांकि 5 दिन पुराना ये शव है जो पानी में काफी फूल गया है, पहचान करने से परिजनों ने फिलहाल मना किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अंकिता का ही शव है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुख्ता हो पाएगा कि शव अंकिता का है या नहीं, लेकिन पुलिस का दावा है और परिजन इसको इनकार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्य में अवैध बने रिजॉर्ट पर अब एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, सभी डीसी को निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर जनपद उत्तरकाशी के भंडारसरयू पट्टी के बल्ला और साथ ही आसपास के कई गांव के ग्रामीणों के आराध्य देव भगवान कचड़ू देवता का भव्य मेला आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देव डोली के साथ पूजा अर्चना और विधि विधान से मूर्तियों के को मंदिर गर्भ गृह से रखा जाएगा, जिस दौरान मौके पर कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। तो उत्तरकाशी में मूर्तियों को मंदिर गर्भगृह में रखा गया और पूरी विधि विधान के साथ इस मौके पर जो ग्रामीण हैं वो वहां पर मौजूद रहे। तो मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया, धूमधाम से ये पर्व जो है वो मनाया गया। बता दें आपको काशरू देवता का ये पर्व धूमधाम से मनाया गया, इस मौके पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो मौजूद रहे। तो पूजा अर्चना और विधि विधान से मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। बता दें कि देव डोली के साथ अब पूजा अर्चना जो है वो यहां पर की गई। तो देव भगवान कचड़ू देवता का यह भव्य मेला आयोजित किया गया, इस मौके पर उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियों को निरस्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने की स्वीकृति दी है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश की तैयारी के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, मैंने विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी
विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियाँ निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर हूँ और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हूं उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।